हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्री ऑनलाइन सिलाई कोर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग दिखाने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी स्टिचिंग देखेंगे। ये ब्लाउज बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज है, आप इसका वर्क देख सकते हैं। इसके स्लीव्स पे भी और बैक साइड और जो फ्रंट साइड है ब्लाउज का उस पे भी काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी का वर्क दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे और नेक भी हम जो कढ़ाई है इसकी उसी के अकॉर्डिंग कट करेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज का फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे और इस फ्रंट वाले पार्ट को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और नेक का जो वर्क है वो बिल्कुल इक्वली सेंटर में दोनों साइड में आना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वली दोनों साइड से डिज़ाइन को मिलाते हुए हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम जो हमारे निशान है कटिंग के वो लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले का जो निशान होता है वो तीरे का होता है, यानी कि ऊपर से शोल्डर का होता है। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसका तीरा हम 14 इंच का करेंगे तो हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और आर्म होल हम 7 इंच की तैयार करेंगे। तो इस तरीके से निशान लगाते हुए हम 7 इंच पर निशान लगाकर इक्वली निशान को ऊपर की तरफ मिला देंगे। और जो इस ब्लाउज का साइज 36 इंच है तो हम 9 इंच पर इस तरीके से निशान लगाकर आर्म होल को राउंड शेप देकर हम इक्वली निशान लगाएंगे और ऊपर से हम हाफ इंच प्लीट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच हम अंदर के लिए कपड़ा जो एक्स्ट्रा लेते हैं मेजरमेंट के लिए वो रखेंगे, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेकर अच्छे से आर्म होल को इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। और इसकी लेंथ हम तैयार 15 इंच करेंगे तो हम 16 इंच पर कट कर देंगे। और जो नीचे के लिए हम तुरपन का कपड़ा फोल्ड करते हैं वो अलग से पट्टी हम लगाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 16 इंच ही कपड़ा दिया हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं है। और नीचे से कमर इसकी तैयार हम 15 इंच करेंगे तो 7 इंच पर 7.5 इंच पर निशान लगाकर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा प्लीट का लेकर और 2 इंच मार्जिन के लिए दबाने के लिए लेकर हम इस तरीके से इक्वली निशान लगाएंगे और सभी निशान को लगाकर इक्वली कट करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल के बिल्कुल सेंटर से जहाँ से हमने राउंड शेप दिया है वहाँ से नीचे की तरफ तिरछा करते हुए हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और नीचे से हम 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच पर निशान लगाकर ऊपर से हम 5 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से इस प्लीट वाले हिस्से को हम चौक से इक्वली मिला लेंगे और ये हमारा जो फ्रंट वाला हिस्से की प्लीट है वो हमारी इस पर डलेगी। इस निशान के अकॉर्डिंग हम स्टिच करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम ब्लाउज के फ्रंट वाले हिस्से को कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम इसको अंदर की तरफ से फोल्ड कर देंगे और जो निशान हमारे इस साइड है वो दूसरी साइड भी आ जाएंगे और सेम प्लीट हमारी दूसरी साइड भी डलेगी। उसके बाद हम सेम इसी तरीके से बैक वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। उससे पहले हम जो हम इसमें स्लीव्स का कपड़ा दिया हुआ है उसको अलग कर लेंगे, उसके बाद ही हमारा जो बैक साइड का हिस्सा है वो निकालेंगे। बस हम फ्रंट वाले हिस्से को बैक साइड वाले हिस्से के ऊपर रखते हुए इक्वली कट करेंगे और उसके बाद हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लीव्स हम पोनी करेंगे, यानी कि मीडियम साइज़ की स्लीव्स रखनी है, हाफ स्लीव्स नहीं रखनी है। उसके लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से अटैच करेंगे, दोनों कपड़ों के बीच में हम पाइपिंग को अटैच करेंगे और उसके बाद हम प्यारा सा लुक इस स्लीव्स का बना लेंगे। और उसके बाद
बाद हम स्टिच करेंगे। इसको स्टिच करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और सभी पार्ट हमने वन बाय वन करके कट कर लिए हैं और फ्रंट वाले हिस्से की आर्म होल की जो कटिंग होती है वो हमने एक्स्ट्रा की है और बैक साइड वाले की नहीं करनी होती है, सिर्फ फ्रंट वाले की करनी होती है। और इस तरीके से हम वन बाय वन करके सभी पार्ट्स हमारे निकाल लेंगे। ये हमारे स्लीव्स है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो मीडियम साइज़ की हम स्लीव्स बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। और स्लीव्स को भी फ्रंट की साइड से इस तरीके से कट करना होता है जो ताकि जो फिटिंग है हमारी ब्लाउज की वो इक्वली आए और फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करने से जो आगे की तरफ झोल पड़ता है वो नहीं पड़ेगा और साइज़ के अकॉर्डिंग ही बहुत परफेक्टली आएगी। और यहाँ पर हम 1.5 इंच की दो पट्टियाँ नेक बनाने के लिए कट कर लेंगे। जो हम फ्रंट और बैक साइड वाला नेक बनाएंगे उसके लिए हमें तिरछे कपड़े की पट्टियाँ चाहिएगी, तो उसके लिए हम इस तरीके से पट्टियाँ कट करेंगे। उसके बाद जो इनर का कपड़ा है उसको हम कट करेंगे। जितने भी पार्ट हमने ब्लाउज के कट किए हुए हैं और उनको वन बाय वन करके हम इनर वाले कपड़े पर रख देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम कट कर लेंगे। ये हमारा जो है बैक साइड वाला पार्ट है उसको हम इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसमें हम दोनों हिस्सों को कट कर रहे हैं, बैक वाला भी और फ्रंट वाला भी, और एक साथ ही दोनों हिस्सों को कट कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से हम हमारे स्लीव्स के लिए भी इनर को कट करेंगे। ब्लाउज और इनर के सभी पार्ट कट करने के बाद हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पे हम मोटे मोटे टांके लगाएंगे सुई और धागे से ताकि जो हमारा कपड़ा है वो सरके ना और इसकी कटिंग भी आगे स्टिचिंग भी बिल्कुल परफेक्टली आए। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके मैं सभी पार्ट्स को इसी तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ लूँगी। ऊपर वाला कपड़ा ब्लाउज का हम सीधा रखेंगे और उसके नीचे हम इनर का कपड़ा रखेंगे और इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ इसमें फिक्स कर देंगे। देख सकते हैं आप वन बाय वन करके मैंने इस तरीके से सभी पार्ट्स को असेंबल कर लिया है, यानी कि एक दूसरे के साथ इनर के साथ जोड़ लिया है। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे जो कि बिल्कुल परफेक्टली होगी। और जो निशान हमने प्लीट का लगाया था और फिटिंग का लगाया था वो हम उसके ऊपर ही कर देंगे। नीचे से आपको बिल्कुल दिख जाएगा क्योंकि इनर का कपड़ा बहुत पतला होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके ऊपर भी निशान लगा देंगे।
उसके बाद हम इस ब्लाउज के नेक को कट करेंगे। हम ये देख लेंगे कितनी नेक की कढ़ाई है, अगर ज़्यादा बड़ी है या छोटी है तो उसके आप साइज़ के अकॉर्डिंग कट कीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप कस्टमर को पूछिए कि उनको कितना नेक बनवाना है, छोटा बनवाना है बड़ा बनवाना है। उसके अगर ऐसी है कि कढ़ाई कटे तो आप ब्लाउज़ को कट मत कीजिए, तो छोटा नेक ही बनाइए, बोट नेक में बनाइए, तो इसकी बिल्कुल अच्छे से स्टिचिंग होगी। आप देख सकते हैं इसकी कढ़ाई बिल्कुल इतनी है जितनी मैंने यहाँ पे कट की है, और उसी के अकॉर्डिंग ही मैं कट करूँगी। और बिल्कुल ना तो ये बोट नेक में बनेगा ना राउंड में बनेगा, मीडियम नेक इस ब्लाउज़ का रेडी होगा। आप देख सकते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से कढ़ाई है उसी के अकॉर्डिंग मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी, यानी कि इस नेक की कटिंग कर लूँगी। और इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ये देखिए स्टिचिंग होने के बाद इस ब्लाउज का लुक इस तरीके से आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसकी स्टिचिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए।